वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना। कोरोना वायरस लॉकडाउन में बॉलीवुड ने ऋषि कपूर जैसे महान एक्टर को खो दिया। ऋषि कपूर बीते 2 साल से लुकमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और इस बीमारी से लड़ते लड़ते उनका 30 अप्रैल को निधन हो गया। ऋषि कपूर केवल 67 साल के थे। ऋषि कपूर के जाने से पूरा बॉलीवुड में मातम छा गया था। बीती शाम बॉलीवुड के इस दिग्गज अभिनेता की अस्थियों को मुंबई के बाणगंगा में विसर्जित कर दिया गया है। इस दौरान रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, नीतू कपूर, नितमक कपूर, आयान मुखर्जी वहां मौजूद थे। ऋषि कपूर की अस्थियां विसर्जन के समय वहां पर कपूर परिवार के साथ कई पंडित भी मौजूद रहे। रणवीर कपूर ने पूरे विधि विधान के साथ ऋषि कपूर की अस्थियों का विसर्जन किया। सोशल मीडिया पर रणवीर कपूर की कई वीडियोस वायरल हो रही है जिनमें वे अपने परिवार के साथ ऋषि कपूर की अंतिम विदाई देते नजर आए। सामने आई वीडियोस में रणवीर कपूर गंगा घाट के किनारे पूजा पाठ करते दिखे तो वहीं परिवार के बाकी लोग उनके आसपास खड़े नजर आए। आलिया भट्ट इस दौरान रणवीर कपूर के साथ ही नजर आई और उनके चेहरे पर ऋषि कपूर के जाने का गम साफ दिख रहा था। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते सरकार ने कपूर परिवार को हरिद्वार जाने की इजाजत नहीं दी। ऐसे में रणवीर कपूर अपने परिवार के साथ मुंबई के बाणगंगा के घाट पर पहुंचे थे। यहां पर कपूर परिवार के चेहरे पर मायूसी साफ देखने को मिल रही थी। बाणगंगा जाने से ठीक पहले ही नीतू कपूर ने अपने घर पर ऋषि कपूर की याद से प्रेयर मीट का आयोजन किया था। सामने आई प्रेयर मीट की तस्वीर में नीतू कपूर और रणवीर कपूर ऋषि कपूर के तस्वीर के पास बैठे नजर आए थे। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धमा कपूर अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं मौजूद थी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते रिद्धमा कपूर दिल्ली से मुंबई तक का सफर नहीं कर पाई। बीते दिन ही सरकार से इजाजत लेके रिद्धमा कपूर अपनी मां से मिलने पहुंची, जिसके बाद रिद्धमा कपूर ने अपने पिता की अस्थियां विसर्जन करने के लिए बाणगंगा गई थी। मनोरंजन जगत से जुड़ी ताजातरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका क्या कहना हमारे वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेटेस्ट खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।